नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार आर्या और लॉजिकल स्पॉट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना खुद का जो पर्सनल असिस्टेंट है उसको और ज़्यादा इंटेलिजेंट आप बना सकते हो। तो ये सब आप कैसे करोगे, ये आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, हर वीडियो की तरह सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसमें क्या क्या हम करने वाले हैं। तो एक्चुअली सबसे पहले हम जो मेन फोकस करेंगे वो करेंगे हम वेदर API पे, जिससे हमारा जो पर्सनल असिस्टेंट है वो हमें क्या करें, वेदर की रिपोर्ट भी दे सके। जैसे आज का जो वेदर है वो कैसा होगा या फिर कल कैसा होगा, ठीक है, ये वेदर की रिपोर्ट हमको दे दें। जैसे टेम्परेचर हमारे वहाँ पर कितना है, या फिर आज रेनफॉल होगा या नहीं होगा, या फिर ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है डिटेल्स आप जो है एक वेदर API से आप ले सकते हो। दूसरा हम क्या करेंगे, इसको इंटरनेट का एक प्लेटफॉर्म है वॉलफ्रेम अल्फा API, ये क्या करता है, हमको एक कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस हमको देता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कुछ चीज़ें। जैसे बाय चांस अगर हम किसी पर्सनालिटी के बारे में पूछते हैं, तो एक तो मैंने आपको बताया था जो उससे आप विकीपीडिया से आप कलेक्ट कर सकते हो डेटा को, ठीक है। दूसरा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप उसमें आप कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस यानी कि वॉलफ्रेम अल्फा, बहुत लोगों को पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो आप उसे आज की इस वीडियो में देख सकते हो, कैसे यूज करना है, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे आपको वो API आपको निकालनी है और लेनी है अपने लिए, और उसे आप कैसे यूज कर सकते हो अपने पाइथन प्रोजेक्ट पे। तो काफ़ी इजी स्टेप्स हैं, आपको सिंपली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो को आधी देखते हैं उसके बाद कहते हैं सर इसे हम जार्विस के संग कैसे जोड़ें। तो देखिए, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप उसे जार्विस से कैसे जोड़ सकते हो। तो इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखना। पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम वेदर या फिर वॉलफ्रेम अल्फा को जोड़ेंगे अपने प्रोग्राम से, और देन उसके बाद हम क्या करेंगे उसको अपने पाइथन प्रोग्राम से बाद में जोड़ देंगे, और हमारा जो पाइथन प्रोग्राम यानी कि जो पर्सनल असिस्टेंट है वो और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। तो अभी चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे आप ये प्रोग्राम अपने PC पे बना सकते हो। तो गाइस, हम अपने कंप्यूटर और लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं, और सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सीधे अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपको सर्च पर जाना है, अपने ब्राउजर पर जाना है, सर्च करना है आपको वॉलफ्रेम, ठीक है, वॉलफ्रेम अल्फा, और जिसे आएगा आपको एंटर कर देना है। तो सबसे पहला लिंक आपको दिख रहा है वॉलफ्रेम अल्फा कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर कुछ लोग अगर एडवांस केवल वेदर ऐप बनाना चाह रहे हो, ठीक है, वेदर ऐप बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले आपको बता दूँ AccuWeather करके एक जो है वेबसाइट आती है। मैं इसका कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। AccuWeather नाम की एक जो है एक वेबसाइट है, यहाँ से आप API लेके आप जो है अपना खुद का एक ऐप बना सकते हो जो केवल वेदर डिपेंडेंट है, मतलब वेदर से ही रिलेटेड काम करता है। तो आपको जो है ये जो तरीका बता रहा हूँ प्रोग्राम वॉलफ्रेम अल्फा वाला, तो आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको AccuWeather या फिर और भी हैं, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो आपको ओपन वेदर करके आता है, देखिए ऊपर ओपन वेदर मैप API, ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये है वो वेदर API ओपन वेदर में। तो अगर आपको बनाना है तो आप उसे चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत आए तो आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको जाना है वॉलफ्रेम अल्फा कंप्यूटेशन इंटेलिजेंस वाले लिंक पे, ठीक है, इसकी डिटेल्स वगैरह आप पढ़ सकते हो। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक पेज आपके सामने खुलेगा, ठीक है, ऐसा खुलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ साइनअप कर लेना है कोने में जाकर, ठीक है। तो अभी मैंने पहले से साइनअप कर रखा है, तो साइनअप करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर साइनअप कर रखा है, तो आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा एंटर व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट और नो अबाउट, तो उसमें आप करके कह सकते हो। पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, कुछ लोग वीडियो को फालतू समझेंगे यहाँ से, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये जो एक इंटेलिजेंस है इसमें हम क्या करते हैं NLP यूज होती है, इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हम जो बोलते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज होती है, और जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसे क्या बोलते हैं मशीन लर्निंग या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें आप क्या सर्च कर सकते हो, जैसे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है लेकिन नेचुरल लैंग्वेज में, जैसे हम कहेंगे 2 + 2 = 2, हमने ये कहा ना, तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इसे यहाँ पर लिखेंगे वर्ड्स में, जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम 2 + 2, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने ये, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज में लिखा है। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका आंसर जो है ये खुद ब खुद बता देगा, हमने इसको वर्ड फॉर्म में लिखा है ना, तो देखिए यहाँ पर अपना आप आ गया 2 + 2 = 4, आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर लाइन फॉर्म सब कुछ दिखा रहा है। तो ये मैंने एक वर्ड फॉर्म में लिखा है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर केवल मैथमेटिक्स ही नहीं, आप नेचुरल लैंग्वेज में आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो, जैसे एलिमेंट्री मैथ, एलजेब्रा, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस साइंस वगैरह सब कुछ, वैसे सोसाइटी एंड कल्चर, पीपल, आर्ट, मीडिया, डेट एंड टाइम्स, एवरीडे लाइफ में हेल्थ एंड केयर एंड हॉबीज, टूडेज वर्ल्ड,
बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी इसमें, आप केवल बस आप यहाँ पर कोई नेचुरल लैंग्वेज में लिख लीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको लिखता हूँ व्हाट इज टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर एट मुंबई, ठीक है। अगर आपको सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया है, अगर स्पेलिंग गलत हो तो खुद बहुत ठीक हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर एट मुंबई, तो यहाँ पर को देखिए आप खुद बखुद बता दिया इसने, टुडे का ये है, टुमारो का ये है, वेंसडे का ये है, थर्सडे का ये है, मुंबई का। तो ऐसा आप केवल आप लिख के यानी कि एक नेचुरल लैंग्वेज में आप जो है इसे एक्सेस कर सकते हो। तो अब बात यह है कि आप सर अपने पाइथन प्रोजेक्ट में आप कैसे अटैच करोगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट भी है, आप सरप्राइज भी हैं, अगर आप जोक हुक अगर आप जोक सर्च करना चाहते हो तो वो भी, जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ टेल मी अ जोक, स्टोरी भी है, टेल मी अ स्टोरी कह सकते हो आप, टेल मी अ जोक, तो आपका जो असिस्टेंट है वो खुद देखिए व्हाट इज ग्रीन एंड होम्योमॉर्फिक टू द ओपन यूनिट इंटरवल द रियल टाइम वगैरह जो भी है आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर कोई स्टोरी लिख सकते हो, आप कुछ भी यहाँ पर आप लगा सकते हो, ठीक है। ये एक इंटेलिजेंस है आपका, मतलब बहुत मदद करेगा आपका पर्सनल असिस्टेंट को। तो अब आपको क्या करना है, इसको पाइथन में जोड़ना है, आपको असिस्टेंट में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे, इसे हटा लीजिए इस टैब को, यहाँ पर सर्च कीजिए वॉलफ्रेम, वॉलफ्रेम अल्फा API, एंटर करना है। तो पहला लिंक आएगा product.wallframealpha.com, कंप्यूटेशन इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलफ्रेम अल्फा APIs, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे पहले आपको वहाँ साइनअप कर लेना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको जहाँ खोल के बताया था वहाँ आपको साइनअप कर लेना है। फिर गेट API एक्सेस, इसमें मैं जाता हूँ, जैसे ही आप जाओगे अगर आपने लॉगिन किया हुआ है साइनअप किया हुआ है, साइनअप करना कोई बहुत टफ वो नहीं है, ना ही आपको पैसे लगेंगे, बिल्कुल फ्री है साइनअप। जाने के बाद आपको क्या करेगा, इस यहाँ वाला पेज दिखेगा आपको, दिख रहा है आपको, यहाँ आपको दिखेगा गेट एन ऐप ID, ठीक है। अगर आपके पास अभी तक ऐप ID नहीं है, तो मेरे पास अभी नहीं है, मैं बनाई थी लेकिन मैंने डिलीट कर दी है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, एप्लीकेशन नेम डाल देना है, एप्लीकेशन नेम, जैसे एप्लीकेशन नेम हम डाल देते हैं आपको वर्चुअल, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं असिस्टेंट लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, बहुत है। डिस्क्रिप्शन में आप इसका कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, आपको जल्दी करना है, तो फिलहाल तो अभी मैं यही कर लेता हूँ, ठीक है, इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, गेट ऐप ID, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक ऐप ID मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर कुछ ये आपकी ऐप ID यानी कि API की बोलते हैं ना, जैसे ये वही है, ठीक है। यूजर्स टाइप पर्सनल और नॉन कमर्शियल ऑनली, ठीक है, फ्री वाला तो ऐसे ही होगा, आपको बस नॉन कमर्शियल यूज के लिए ही मिलेगा, ठीक है, पर्सनल के लिए केवल। तो ये आपको जो है ये एक API ये आपको कॉपी कर लेनी है, ठीक है, या फिर आप इस टैप को आप ऐसे ही रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना नोटपैड खोल देना है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा नोटपैड खुल गया, इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, तो ये पेस्ट हो गया, इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ और इसे ओके करके, ठीक है, यहाँ से हम इसे हटा लेंगे, ठीक है। अपना जार्विस आप अपना ओपन कर लीजिए, ठीक है, जार्विस कहाँ पर है हमारा, ठीक है, हमारा जार्विस ऐप है यहाँ पर है, तो इसे मैं जो है ओपन कर लेता हूँ, तो भाई हमारा प्रोग्राम जो है वो तो खुल गया है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इसमें मैंने जो है एक हॉटपॉट जोड़ा था, तो आपको पता होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने एक हॉटपॉट जोड़ा था, तो अभी आपको नहीं हटाना है लेकिन मैं हटा रहा हूँ इसलिए ताकि हमारा प्रोग्राम जो है तेज़ी से रन हो, ठीक है। तो मैं बहुत चीज़ हटाने वाला हूँ उसमें से, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, क्योंकि जो है टेंसर फ्लो वगैरह बहुत चीज़ें इंपोर्ट करता है, तो उससे अभी जो है बहुत सारी चीज़ें चल रही, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है और विजुअल स्टूडियो चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं अभी नहीं चलाना चाहता हूँ। तो अभी जो है मैंने ये हॉटपॉट हटा दे रहा हूँ, और एक कमांड जो लास्ट में लगाई थी मैंने, उसे भी मैं हटा लेता हूँ ताकि जो है वो लूप के अंदर ना जाए। ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, टॉप पर जाना है आपको अपने, और यहाँ पर जहाँ पर हमने
क्यों ना है गूगल ट्रांसलेट, या फिर इसको मैं भी हटा लेता हूँ, अभी तो इसका फिलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट, यहाँ पर लिख देंगे हम वॉलफ्रेम अल्फा, ठीक है, ये हमने कर लिया। और यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्ट हो चुका है, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम ऐप इज इक्वल्स टू वॉलफ्रेम अल्फा डॉट क्लाइंट, ठीक है, आ गया क्लाइंट। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एपीआई जो हमारी ऐप आईडी है उसे हम डाल देंगे। तो ऐप आईडी हमारी जो है कहाँ है, ये है हमारी ऐप आईडी, हम कंट्रोल सी करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, ऐप आईडी को हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो ऐप आईडी तो हमने यहाँ डाल दी। अब क्या होगा, जब लेकिन ये तब करेगा काम जब आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा। तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन है तो उसको आप लगाइए, नहीं तो आप हटा सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो कहूँगा आप इसको ट्राई और एक्सेप्ट वाली कमांड पे लगाइए। तो आपको पहले मैं आपको वही बता देता हूँ, एक काम करता हूँ, तो इसे हम जो है यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं ट्राई, और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ये लिख देते हैं। और यहाँ पर जो है एंटर करेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्ट, ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन अगर रेज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। हाँ, यहाँ पर आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं नो, यहाँ पर हम लिख देते हैं सम फीचर्स आर नॉट वर्क, ठीक है, तो कि कुछ फीचर जो है वर्क नहीं करेंगे, ऐसा अगर इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तब ऐसा प्रिंट करेगा, ठीक है। तो वरना जो है ऐप इज इक्वल्स टू वॉलफ्रेम डॉट क्लाइंट से क्या करेगा, ये इस पर लोड जाएगा ऐप। तो यहीं पर आपको क्या करना है, एंटर करना है आपको, सॉरी यहाँ पे तो आप ना मत करना, आपको बता देता हूँ, आप नीचे आइए और जहाँ पर आपको जो है वो कमांड जोड़नी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एलसीफ वाली इस लास्ट वाली कमांड के नीचे एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पर एक नई एलसीफ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे जैसे आप जो भी, आप जैसे टेम्परेचर रिलेटेड, ठीक है, या फिर पर्सनैलिटी रिलेटेड, तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ टेम्परेचर, ठीक है, इफ टेम्परेचर इन क्वेरी, सॉरी ठीक है, इफ टेम्परेचर इन क्वेरी, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद क्या होगा, अगर टेम्परेचर क्वेरी में होता है तब क्या करेगा, यहाँ से फिर से ट्राई कंडीशन लगाएंगे हम, और ट्राई करेंगे क्या, जो हमने ऐप बनाया था उससे हम रिस्पॉन्स कलेक्ट करें। तो रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐप डॉट, अब हमें क्या करना है, क्वेरी करनी है सर, तो ऐप डॉट क्वेरी, और यहाँ पर हम अपनी क्वेरी डाल देंगे। तो यहाँ पर आप क्वेरी ही डाल दीजिए, पूरा क्वेरी क्या है हमारा, क्वेरी जिसमें हमने क्वेरीज वगैरह ली थी हमने, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स यहाँ से कलेक्ट करेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर हम कर देते हैं स्पीक, स्पीक में पहले हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंट यहाँ पर कर देते हैं रिस्पॉन्स, ये नहीं करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं, जैसे एक आपको मैं प्रिंट नेक्स्ट रिजल्ट, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इस कमांड से जो है आपका जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा, और इसी को आप जो है स्पीक भी करवा लीजिए, ठीक है, स्पीक, और उसके अंदर जो है आप इस वाले कमांड को कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कंट्रोल सी, ठीक है, ये इस कमांड को आप कॉपी कर लीजिए। अब जो है अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो उसके बाद आप एक्सेप्ट कमांड लगा लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए प्रिंट, यहाँ पर लिखिए इंटरनेट कनेक्शन एरर, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन एरर आपको प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया सिंपल सा आपका प्रोग्राम, इसे आप रन करके आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो ये वाली जो कंडीशन जो है मैंने जो लगाई है यहाँ पर, ठीक है, उसे आप जो है यहाँ पर लास्ट पर, जैसे मैंने आपको आपको बताया था कि आप उसको गूगल पर सर्च कर सकते हो, यहाँ पर बताया था मैंने आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इसको लगा सकते हो, ठीक है, मतलब कि अगर कुछ नहीं मिला, अगर बाई चांस इन क्वेरी में मैच नहीं करता है, तो जो क्वेरी है वो एट द लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द प्रोग्राम वो क्या करेगा, इस सबको वॉलफ्रेम अल्फा पर सर्च करेगा और कोई रिजल्ट देने की कोशिश करेगा।
तो अभी तो मैंने क्या लगाया था लास्ट पे, else, पहले तो else if और लास्ट में else, else मतलब अगर कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। यहाँ आने के बाद क्या होगा, वो जितनी भी क्वेरी होगी वो गूगल पर अपने आप सर्च हो जाएगी। तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसको हटा लेता हूँ, तो यहाँ पे अब क्या होगा, कोई भी अगर क्वेरी अगर नहीं मैच होती है तो सीधे यहाँ आएगा और कहाँ से लेगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स लेगा कहाँ से, वो लेगा वायरफ्रेम अल्फा से, ठीक है। तो ये तो रहा आज का ये प्रोग्राम, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई भी क्वेरी या कोई भी अगर आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम फेसबुक पर पूछ सकते हो, बहुत लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अगर कुछ लोगों का रिस्पॉन्स देने में कुछ मेरे को लेट हो जाती है तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी यार, वो लेट हो जाती है क्योंकि बहुत लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो यहाँ सर जो है, यहाँ से जो है आप अपना वेदर वगैरह या फिर आपको कुछ भी जो है यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, किससे, वॉलफ्रेम अल्फा एपीआई से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब लॉजिकल स्पॉट एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।